हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में जिसका नाम है लिविंग टू द ब्लॉग्स और मेरा नाम है निवेदिता। आप सभी ने इसके पहले यहाँ तक ब्लॉग देखा था, अब मैं ब्लॉग को आगे कंटिन्यू करती हूँ। ठंड तो बहुत ज़्यादा थी और बारिश भी हो रही थी जिसकी वजह से ठंड और ज़्यादा लग रही थी, लेकिन मैंने कहा कि इस मौके को मैं हाथ से कैसे जाने दूँ। कुछ रील्स के लिए मैंने वीडियो शूट करवा लिया और मैंने कई सारे रील्स भी बनाए जिसको इंस्टाग्राम पे अपलोड किया है, आप सभी देख लीजिएगा। अभी हम लोग एकदम टॉप पे हैं और ये ऊपर चले चले जा रहे हैं और मेरा तो डर के एकदम हालत हम लोग इतने ऊपर हैं और मुझे कैसे, मैं डरी हूँ कितना तेज यार। ये तो लगे मुझे घूर के देखने की ड्राइवर जो भैया है, हाँ वो भैया है, वो ड्राइवर नहीं है। तो हम लोग देखिए कहाँ पहुँच गए, समझ में आ गया कहाँ। यहाँ पे भी नहीं खाली है, कहाँ पे भी खाली नहीं है। मेरा तो डर के, मुझे तो बहुत डर लगा यार। अभी इससे ऊपर भी जाना है ना, अच्छा हाँ मुझे एक बात याद आई, मुझे कुछ लोगों ने कमेंट किया हुआ था कि आपने और मतलब इन्होंने कपड़े एक ही पहने हुए हैं। तो देखिए हम सिर्फ दो दिन के लिए गए हुए थे और दो दिन में मैंने कई सारी वीडियोस बनाई, तो अब कितने कपड़े हम चेंज करेंगे आप बताइए। कपड़े से आप सभी जज मत किया कीजिए प्लीज़, ये सब मुझे ना थोड़ा सा अजीब लगता है। हम कोई सेलिब्रिटी नहीं है, हम भी एकदम नॉर्मल इंसान हैं, तो जाहिर सी बात है और दो दिन में कितने कपड़े कौन बदल लेगा, है ना। हम लोग देखिए कहाँ पहुँच गए, किसी ने ऊपर लाइट जला दी है और यहाँ सन थोड़े थोड़े से दिखे और मैं यहाँ से दिखाऊँ कितना ऊपर है हम लोग। ट्रक को देखिए कितना छोटा लग रहा है। पहले तो ये देखो वाशर पूरा, इधर पे विलेज है, विलेज कैसे कितना बड़ा, ओह माय गॉड। और हम लोग एकदम ऊपर है, हम लोग टॉप पे पहुँचने वाले हैं इसके। कितने प्यारे, मतलब कैसे भाई, ये सोच रहे हो कितने पहाड़ों के बीच में कैसे रहते हैं लोग, एक अलग ही लाइफ स्टाइल होती होगी। आप यहाँ पे रहना चाहेंगे? मुझे तो डर लगता है हाइट से। अगर रह लेंगे तो नहीं, मुझे डर लगता है हाइट से, वहाँ पे इतना दूर, वो वहाँ एकदम ऊपर। गई हमारी गर्मा गर्म मैगी, वेज मैगी भैया बना करके दिए हैं, इनकी शॉप यहीं पे है, आप भी आइएगा और खाइएगा। कैसा लग रहा है वाशु, अच्छा लग रहा है ना, यम्मी यम्मी सच में, और इतनी जल्दी ठंडा भी हो जा रहा है। यम्मी और मम्मी यम्मी और मम्मी। हो गया हमारा है चाय, अच्छा ठीक है आ जा, थोड़ा सा पी लेना एक दो, कुछ और तो नहीं है। मेरा मोबाइल तो उसी में था ना बैग में, सिर्फ यही लेके निकली थी ना। ये सामने नैनीताल है और अभी हम जा रहे हैं नैनीताल। आप में से काफ़ी लोगों ने कमेंट किया था कि जब आप वहाँ गई हैं तो नैनीताल भी जाइएगा, घूम आइएगा, तो हमने कहा चलो चलते हैं घूमाते हैं। यहाँ तक का वॉइस ओवर मैंने नाइट में किया था और लास्ट में मैंने कुछ इंपॉर्टेंट बात किया हुआ है आपसे, तो वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा या फिर डायरेक्ट लास्ट में जा करके देख लीजिएगा।
कैसे हैं नैनीताल वालों, मैं आ गई हूँ नैनीताल में। स्वागत नहीं करोगे आप हमारा? नहीं करोगे? क्या गजब का यार, मतलब सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। देखिए वाव, हम लोग जा रहे हैं दर्शन करने नैना देवी। बहुत ही खूबसूरत। हमने यहाँ पे देख लिया, घूम लिया, बहुत ठंड है, सब कांप रहे हैं। नहीं नहीं भैया, हम सब जगह घूम चुके हैं। कह रही हूँ सब जगह घूम चुके हैं। सब लोग बोल रहे भैया घुमा दो, यहाँ घुमा दो, वहाँ घुमा दो। हमारे पास इतना टाइम नहीं है, बस सिर्फ 2 आवर्स, और हमें यहाँ पे दर्शन करना है नैना देवी, और थोड़ी सी एक जो जगह है वहाँ पे घूमना है, फिर उसके बाद निकलना है हमें स्टेशन। जिन्होंने नैनीताल नहीं देखा है मैं उनको भी दिखा देती हूँ, मैंने भी नहीं देखा था, फर्स्ट टाइम देखा। ये झील है बहुत बड़ी सी, अभी थोड़ा सा अच्छे से धूप होता तो और अच्छा रहता, इतनी ठंडी नहीं लगती। अच्छा, यहाँ पे हमेशा ही ठंडी रहती होगी ना, आपको पता है? हाँ, बहुत बर्फीली हवा है, मतलब हम जम जा रहे हैं। अगर किसी से कोई पूछे आपका घर कहाँ है तो लोगों को एड्रेस बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस दिखा देगी। वो पहाड़ जो दिख रहा है ना, वो उसके पीछे एक येलो सा घर दिख रहा है, एक ब्लू वाला दिख रहा है। वो ब्लू वाला मेरा घर है, येलो वाला मेरे मामा का घर है। कितना अच्छा व्यू। हाँ, बहुत अच्छा व्यू लग रहा है। माशू आराम से, बहुत ही अच्छा व्यू। जो भी नैनीताल से होंगे ना मुझे कमेंट करके बताएंगे, वैसे तो मुझे बताते हैं लोग, लेकिन ये वीडियो पर्टिकुलर जब जाएगी तो आप सभी मुझे कमेंट करके बताएगा कि कौन कौन नैनीताल से है। एक मुझे ये बड़ा अच्छा सा रेस्टोरेंट दिखा, तो मैंने कहा आप सभी को दिखा दूँ, अच्छा लग रहा है ना। ये है नैना देवी मंदिर का रास्ता। हल्की हल्की बारिश हो रही है, सब लोग स्टॉल्स अपने लगा रहे हैं और लोग जा रहे हैं दर्शन करने। ये मुझे लेना है, आ करके लेती हूँ, ठीक है? चलो चलते हैं। ये सब मार्केट, कॉर्न मिल रहा है इधर पे, मैं आऊँगी तो कॉर्न और कुल्लड़ वाली चाय मुझे पीनी है। वैसे भी मेरा हाथ बिल्कुल काम नहीं कर रहा, एकदम जम गया, देखिए रेड रेड हो गया है, ब्लड जम गया हाथ का, इसकी वजह से लग रहा है। सारे मार्केट नहीं लगे हुए, बट मार्केट नॉर्मली जैसे हमारे उधर पे भी लगते हैं ना, हर जगह दिल्ली वगैरह, इसी तरीके से मार्केट लगा हुआ है। लेकिन हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, हम बस दर्शन करेंगे और इधर से रिटर्निंग में जो चीज़ें ले पाएंगे ले पाएंगे, फिर सीधा स्टेशन। स्टेशन जाने में भी यहाँ से अभी 1-2 घंटे लगेंगे। ये गुरुद्वारा, तू पिट जाएगी, मैं मेरा हाथ पिट जाएगी। यहाँ पे सारे मार्केट लगे हुए हैं इस तरीके से, सेल स्वेटर जैकेट। मंदिर किधर है? अच्छा हाँ, श्री माँ नैना देवी मंदिर। पता नहीं अंदर ले जाना अलाउड है या नहीं, नहीं पता, अगर अलाउड होगा तो ठीक। स्टॉल्स काफ़ी लगे हुए हैं, वाह व्यू देखो, यहाँ पे ये प्रसाद ले रहे हैं।
है नाना देवी माता के अंदर का पूरा ही हनुमान जी का मंदिर है। इधर कुछ ऐसा है और ये है नैना माता का मंदिर। यहाँ पे इस तरीके से बांधने के लिए दिया गया कि आप मन्नत मान के बांध सकते हैं। उधर घंटी भी, थोड़ा सा इधर चलते हैं, कुछ फोटोग्राफी कराते हैं, उसके बाद फिर निकलते हैं, ठीक है। मंदिर में फ़ोटो लेना मना है इसलिए मैंने नहीं लिया, बाकी इधर का मैं सब आप सभी को दिखा दे रही हूँ। हाँ वहाँ पर लिखा हुआ व्यू कितना प्यारा लग रहा है ना। तब से ऐसे ही है, ठीक है। यहाँ के लोग ने देख रेख नहीं किया इसलिए थोड़ा ऐसा लग रहा है। थोड़ा साफ सफाई करवा देना चाहिए, लेकिन बहुत ही खूबसूरत जी है। चुका है और अब हम निकल रहे हैं वापस, थोड़ा सा मार्केटिंग करते हुए। कैसा लगा दर्शन करके? बड़ा मजा आया, अच्छा लगा। बस अच्छा मंदिर है। हाँ, बहुत मंदिर है। इतने बड़े से हनुमान जी हैं यार, बांध दिया मैंने एकदम से, भूत बन गई थी। बाप रे, इधर की डॉगी बहुत अलग सी है, देखो कैसे लड़ रहा है। अरे एक और आ गया, वो इसलिए क्योंकि ये ठंडी जगह है, ठंडी जगह बहुत डेंजरस लग रहा है, इनके बाल बड़े बड़े हैं। हाँ बहुत डेंजरस लग रहा है। बोला मुझे लेना ही नहीं है क्योंकि इतना, मतलब जो चीज हम 200 में लेते हैं ना वो 1000 रुपीज की थी, और जो चीजें हम, एक मूर्ति थी शंकर जी की 50 रुपीज की, और वो यहाँ पे 300 रुपीज की थी। इसमें से देखे क्या, इसमें से ये प्यारा लग रहा है। इस तरीके की सॉक्स मेरी मम्मी बनाती हैं, लेकिन अच्छा लग रहा है। कितने का है भैया? जो आप कहा थे 150 का है, बाकी 100 का है बच्चों के। ये बच्चों का है क्या? फुल साइज। ये तो हाथ से बनाया हुआ ना? हाँ ये सब हाथ से बनाया हुआ है। ये कितने का है? 100 रुपए। ये मुझे प्यारा लग रहा है, ये मैं लगाऊं क्या इसमें से? देखिए कौन सा कलर अच्छा लग रहा है, एक ये कलर बहुत अच्छा लग रहा है, एक नया लुक निकल कर आया है। इससे तुम्हारे हेयर जो होंगे वो नीचे की तरफ नहीं आएंगे, ये भी फायदा है। और कान में तो हवा जाना ही जाना है, टू इन वन है। पर इसमें लग रहा है जैसे मैं हेयर वॉश करके आई हूँ ना, बांध के।
कि जो भी नैनीताल आते हैं ना, इस शॉप पे जरूर विजिट करेंगे। इनके पास काफ़ी अच्छा स्टॉक है। देखिए कितने अच्छे अच्छे सॉक्स बने हुए हैं शूज़ के पैटर्न में, बहुत ही प्यारा लग रहा है। सी मेरी मम्मी बना लेती हैं। मम्मी इसमें कभी बनाइएगा, वीडियो देख लीजिएगा और इसमें का बनाइएगा, ये अच्छा लग रहा है। मम्मी तो इसमें का बनाती हैं, इसमें का बनाती हैं, इसमें का बनाती हैं, कई सारे डिज़ाइन। हेयर बैंड कैसे भैया? हेयर बैंड ये कोई भी, ये कितने का है ये वाला? ये की रिंग्स भी अच्छे हैं। वी के वी 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 इसमें कौन सा अच्छा लगेगा? की रिंग्स कैसे है? की रिंग 30 ये कितने का है? 100 ये ले लें, बड़ा अच्छा लगता है। ये की रिंग मैंने लिया अपनी स्कूटी के लिए, V4 Vashu। अब इस ये क्या है? की रिंग है, मैं लगाऊंगी अपने स्कूटी वाले की में। ये बड़ा अच्छा मुझे लग रहा था, इस वजह से मैंने लिया मसाज करने के लिए। वाशु को पेन हो रहा है यहाँ पे, मैंने कहा लाओ इसी से मसाज कर दूँ। वाशु को अच्छा लगा इसलिए मैंने ले लिया। देखिए फिश के शेप में है। और एक मैंने ये लिया, इसमें लाइट जलता है, ये अक्षु के लिए लिया है मैंने। पे भी पूरा मार्केट इस तरीके से दिल्ली की तरह लगा हुआ है। जरा मैं पूछूँ रेट कितने का है? कितने का है भैया? 350 लगा हुआ, ठीक है रेट। ये बना रहे हैं लोग, देखिए वुडन अच्छा लग रहा है लेकिन बनाने में टाइम लगेगा। मैं बना लेती। यहाँ पे देखिए भुट्टा स्टीम्ड भी, और ये वाला आज मैं खाऊंगी ये वाला, क्योंकि ये भुट्टा मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, चाहे ये वाला हो चाहे ये वाला हो। उतार के देखो एक बार ये भुट्टा। इधर से हम जा रहे हैं रिक्शे से, और यहाँ का रिक्शा देखिए कितना छोटा छोटा सा है अच्छा लग रहा है, क्यूट सा। अभी इसके ऊपर और जाने का रास्ता है, मतलब इधर से और ऊपर जा सकते हैं, और यहाँ से जाएंगे हम नीचे, और इधर है नैना देवी। चले कहाँ पे है? चलते हैं अब हम। मेरा भुट्टा खत्म हो गया, आपका भुट्टा अभी चल रहा है? हाँ सच में बहुत टेस्टी लग रहा है, एक मिलेगा ना तो और ले लिया जाएगा, कार में बैठ के खा लेंगे। इधर दिल्ली की तरह मार्केट लगा हुआ है कई जगह पे, नहीं काफी अच्छे अच्छे स्टॉल्स है। ये 150 का फिर आएगा, 200 250, इससे बड़ा 300, तीन साइज है ये 300 के सारे, एक इसमें राउंड आता ही है 250 का। कैप वाला उधर भी मैं देख लूंगा। हम पहुंच चुके हैं स्टेशन, वाशु जो है वो सो गया है, और जो भैया थे और ये दोनों लोग उस शॉप पे गए हुए हैं, और मेरे दोनों कान जो हैं वो बंद हो चुके हैं। मैंने सुना बाद में, भैया ने भी बताया कि पहाड़ पे जाने और आने की वजह से ना कान में कुछ प्रॉब्लम होने लगता है। मेरे दोनों कान बंद है, मुझे सुनाई नहीं दे रहा ठीक से, बहुत अजीब सी आवाज़ आ रही है। दोनों कान में इतना ज़्यादा इचिंग हो रहा है, मन कर रहा है कुछ लकड़ी पड़ी डाल के खुजला दो, ऐसा वाला हो रहा है। अभी देखती हूँ, मैं तो कुछ लेकर के भी नहीं आई हूँ, बहुत अजीब सा बहुत गंदा सा फील हो रहा है, मन बहुत ज़्यादा ही खुजली हो रहा है, बहुत इरिटेटिंग लग रहा है। तो अभी तो हमारी ट्रेन 1 घंटे बाद आएगी, मतलब हाँ 1 से 1.5 घंटे का टाइम है अभी, तो हमें वेटिंग रूम में ही बैठना पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं, बैठेंगे और उसके बाद अपनी ट्रेन का वेट करेंगे। हम पहुँच गए लखनऊ स्टेशन। हम लखनऊ पहुँच गए, और रिटर्निंग में भी हम सिस्टर के यहाँ जाने वाले थे, लेकिन रास्ते में कॉल आ गया जिसकी वजह से मुझे वापस आना पड़ा। हमारा टिकट भी था, मैंने सब कुछ वीडियो में आगे बोला हुआ है। और आज के बाद ये मतलब मेरे हस्बैंड वीडियो में नहीं आएंगे, क्यों? क्योंकि आउट ऑफ सिटी जा रहे हैं अपने पर्सनल काम के लिए, जो उनका काम होता है ना उसके लिए। तो आफ्टर 10 to 15 डेज़ बाद ही आएंगे, तब तक मुझे घर के सारे काम जो ऊपर बन रहा है देखना पड़ेगा,
और कुछ लोग इतने गंदे सोच के होते हैं ना, इतनी गंदी सोच के होते हैं कि मैं क्या ही बोलूं यार, कैसे कैसे कमेंट्स कर रहे हैं। मैं सच बताऊं आजकल मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जा रही हूँ। हम दर्शन करने गए हैं, हमारे साथ एक बच्चा है और इतनी गंदी गंदी सोच, छी मतलब मैं क्या ही बोलूं। और मैं सिर्फ उन लोगों को बोलती हूँ जो इस तरीके का बोलते हैं। तो कल भी काफ़ी लोगों ने कमेंट किया कि हम आपको देखते हैं और आप हम सबको इस तरीके से बोल रही हैं। तो मैं दूसरों को नहीं बोलती हूँ, मैं सिर्फ उन लोगों को बोल, इस तरीके की गंदी मानसिकता लेकर के कमेंट करते हैं सिर्फ उन लोगों को। तो आप सभी प्लीज़ बुरा मत माना कीजिए, आप इतने साल से मेरे से जुड़े हुए हैं, आप सबको अच्छे तरीके से पता है कि मैं क्या हूँ। तो प्लीज़ इस तरीके से मत कीजिए आप सभी। मैं कमेंट का मुद्दा सिर्फ इसलिए उठा रही हूँ क्योंकि आजकल, सिर्फ आजकल जब से मतलब मेरी लाइफ में आए हैं, कुछ लोग इतना मतलब बेकार बेकार तरीके से कमेंट करते हैं ना, समझ सकते हैं, बहुत हर्ट होता है मुझे। सॉरी मैं थोड़ा इमोशनल हो गई थी। तो आप सब अपने ऊपर मत लिया कीजिए, आप अच्छे हैं तो आप ये सब चीज़ें अपने ऊपर नहीं लेंगे, आपको खुद लगेगा कि दीदी तो हमें बोल ही नहीं सकती क्योंकि हमने तो ऐसा किया ही नहीं। तो प्लीज़ इस तरीके से मत किया कीजिए आप सभी। और मुझे पता नहीं, इतने सालों बाद थोड़ी सी मैंने खुशी देखी, तो इस तरीके से करना गलत बात है। और कुछ लोग ये भी बोल रहे थे कि आपकी शादी नहीं हुई फिर भी आप घूम रही हैं। तो मेरी शादी हो चुकी है, मैंने आपको बताया था कि हमने कोर्ट मैरिज की हुई है। अब वो वाला डेट क्यों पड़ रहा है ये भी मैंने बताया हुआ था, सब कुछ बताया हुआ था। तो प्लीज़ आप सभी वीडियो को पूरा देखा किया कीजिए, तब आप सबको पता चल पाएगा। हेलो, तो हम आ गए हैं वापस और हम बहुत जल्दी में आ गए। ट्रेन तो हमारी इवनिंग की थी, हमारा यासे वेस्ट ऑफ मनी गया ट्रेन का टिकट का, पूरे दिन का कोई मतलब नहीं था। इतने इनके भी कॉल्स आ रहे थे, इतने ज़्यादा कॉल्स आ रहे थे और मेरे भी इतने कॉल्स आ रहे थे। दूसरा रीज़न ये था कि वाशो का एंट्रेंस दिलाना था, उसका प्रिपरेशन कराना था, उसका भी कॉल आ गया था मुझे। तो इस वजह से मैं जल्दी जल्दी भाग करके हम लोग कैब से आए, क्या करते, कोई और ऑप्शन नहीं था ना। कहीं बाहर जाओ तो ये भी रहता है कि काम के लिए इतने फ़ोन्स आते हैं, इतने फ़ोन्स आते हैं कि एकदम ये होता है कि भागो, कुछ देर रिलैक्स भी होकर के इंसान नहीं रह सकता। मेरा तो थोड़ा कम आ रहा था, बस मुझे ये था कि वाशु के एंट्रेंस की प्रिपरेशन करानी है, उसका कॉल आ गया था तो मैं नहीं रुक पाई। लेकिन इनका तो एकदम कंटिन्यूसली कॉल, तो ये तो आए मॉर्निंग में छोड़ा उन्होंने, उसके बाद फिर वो चले गए और फिर मैं पूरे दिन ऐसे इधर उधर पड़ी हुई थी, अच्छा नहीं लग रहा था। वहाँ से आने के बाद एकदम से बार बार ध्यान वहीं का आ रहा था, इतना शांति इतना सुकून मिल रहा था ना कि मैं क्या ही बोलूँ। मैं तो आई और उसके बाद जब मैं वीडियो देख रही थी, मैं सोच रही थी मैं फिर से चली जाऊँ। मैंने इनसे कहा कि यार मेरा फिर मन कर रहा है जाने का, तो इन्होंने बोला अच्छा ठीक है, पेशेंस रखो, भगवान फिर जब हमें बुलाएंगे दर्शन के लिए तो फिर हम चलेंगे। मतलब जो लोग पहाड़ों में रहते हैं सीरियसली, कितनी अच्छी उनकी लाइफ होती होगी, इतनी नेचुरल जगह पर रहना, बहुत अच्छा लगा मुझे। मैं तो इस तरीके का पहली बार मैंने देखा था। वॉइस ओवर में पता नहीं मैं क्या बोलूँगी क्या नहीं, अभी तो वीडियो एडिट नहीं किया है, कहीं ऐसा ना दोबारा रिपीट कर दूँ तो मुझे कट करना पड़ जाएगा, इसलिए मैं ज़्यादा रिपीट नहीं करूँगी। वीडियो को ही एंड करती हूँ, यहाँ पे हमारा सफ़र ख़त्म होता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, मेरे चैनल पर पहली बार होंगे सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपना ध्यान रखिएगा। कैसी लगी आप सभी को हमारी जर्नी, उम्मीद करती हूँ अच्छी लगी होगी। बाय बाय एंड टेक केयर।